पुराण लोककथारू गल्पटीए। अनेक दिन तलर कथा। महाप्रभु श्री जगन्नाथंक सेवक बड़पंडा ठाकुरंकर बड़ सेवक नैष्ठिक ब्राह्मण से तांक चलुरे जगन्नाथ देखा जाती तेबे जाई भोग लगे। दिन गड़ी चले। बड़पंडाए क्रमे बयस भार रे नई पड़िले। बड़ देउल को जीवा आसीबा कष्टकर मन हैला। दिनकर कथा। बड़पंडा बड़ कष्टरे बड़ देउलरे सेवा पूजा सारी मंदिर रे बसिले। केही नाहांती। बड़पंडा करुण भावरे कांदी कांदी हाथ जोड़ी कहिले, हे चकाडोला, मोर मृत्यु आसन्न। मो शरीर आपणक सेवा करबाकू असमर्थ। मु आउ काली ठारू बड़ देउल को आसी पारिबिनी। प्रभु मते क्षमा दियंतु महाबाहु। भक्तर आकुल डाकरे प्रभु विगलित होई बड़पंडांक आगरे आविर्भूत हेले। बड़पंडांक आखिरु श्रावणर धारा झरिला। साष्टांग प्रणिपात करी पंडाए निजकु भूलिगले। महाप्रभु महाभक्तंकु वर जाचिले। बड़पंडा कांदी कांदी कहिले, जीवनर शेष बेलरे आपणक देवदुर्लभ दर्शन पाइली प्रभु। आउ किछि कामना नाही। किंतु जगन्नाथ कहले, माग भक्त, किछि हेले माग। पंडा कहले, तेबे प्रभु मोर एकमात्र झियो राई, तापाई किछि मागिबी। से पिला दिनु कृष्ण भक्त, तार एकमात्र इच्छा आपणक दर्शन करिवो। तार सेई इच्छाटीकु पूर्ण कर प्रभु। आउ किछि मोर लोड़ा नाही। जगन्नाथ ता परदिन देखा देबा पई कथा देले। बड़ खुशी रे पंडाए घर को फेरी झियो को खुशी खबर देले। परदिन राई दिन सारा बड़ निष्ठारे पूजाव्रत करी अपेक्षा करी थाए ठाकुर घरे। राती हेला। महमह बासी उठिला पूजा घर। अद्भुत आलोकरे उद्भासित हेला घरर अभ्यंतर। श्रीकृष्णंकर मनमोहन रूपरे दर्शन देले महाप्रभु जगन्नाथ। लुह कोहरे अंधुणी प्राय होईगला ब्राह्मण कन्या राई। प्रभु तांको स्पर्श कले, चेतना फेरी आसिला। प्रभु कहले, मन इच्छा वर मागि नियो राई। राई कहिला, मते विवाह करंतु प्रभु, मु आपणंकु स्वामी रूपे चाहे। अडुआरे पड़िगले दीनबंधु। कहिले, कथा देइछि विवाह करिबि, किंतु गोपनरे। लक्ष्मी जानिले रागिबे। राताराती पंडा विवाह विधि सारीदेले। राति न पाहुणु हटियानगर प्रभु बड़देउल को फेरी आसिले। प्रभातरे लक्ष्मी ठाकुरंकु देखि संदेह कले। देहरे हलदी, पादरे अलता। प्रभुंकर ये कि बेश? मा महालक्ष्मी पचारिले, ये कौन चका आखि? कौन प्रभु द्वितीय विवाह कले कि? जगन्नाथ चमकी गले। ना ना, मु स्वर्ग को इंद्र बाहागर को जाइथिली, सेठी ए दशा होईची। माँ सरल, तेणु बुझीगले। गला किछि दिन। कलिहा नारद सबु जानती, सत कही कली लगांती। तांको भल प्रसंगटी मिलिगला। से दिने बड़पंडांक घरे जाई पहुँची गले। बड़पंडा और झियो राई तांकर आदर सत्कार कले। नारद झियो मथारे सिंदूर देखी ता सासूघर कथा पचारिले। बड़पंडा सबु सत कथा कहीदेले। नारद जानिले जगन्नाथंकु विवाह करी राई बाप घरे अछि। नारद राई को तांको सासूघर श्रीमंदिर को जीवाकू परामर्श देले। कहिले, तुमे बड़ देउल जाई माँ महालक्ष्मी को सेवा कर। देखाहेले सत कथा कहब। लक्ष्मी माँ दया कले तुमे सासूघरे रही पारिबो। ता पर दिनठू राई लक्ष्मी को पहड़ भांगिबा पूर्वरु देउल रे पहुंची मंदिर परिष्कार करी और अन्य काम सबु सारी गोपन रे फेरी आसे। महालक्ष्मी आश्चर्य होई भाबिले, किए काहेकि गोपन रे मोर एते सेवा करूची, देखिबाकू हेबो। दिने राई को धरिले और परिचय पचारिले। राई सत कथा कहिदेला। माँ लक्ष्मी रागी निया बाण। जगन्नाथे डरी छानिया। बुझाइले कि लक्ष्मी बुझिबे। ठीक समय रे पहुँची गले कलिहा नारद। सबु कथा आउ थे शुणी माँ को बुझाइले। प्रभु तो विवाह करी सारिलेनी। वर्षक 365 दिन, सेतुरु 25 दिन राईंक नामरे रहू। अश्विन मास शुक्ल दशमी ठारू 25 दिन जगन्नाथ बड़पण्डा झील राईंकर स्वामी होई रुहंती। प्रभुंकर राई दामोदर बेश दर्शन कले आखि पवित्र हुए, महापातक नाश हुए। लीलामयंकर विचित्र लीला। जय जगन्नाथ।